बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी वीडियो में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं और कैप्सूल भी तैयारशुदा पड़े हैं, आज का ये हमारा जो है नुस्खा है, यानी कि जिस कैप्सूल जो तैयारशुदा पड़े हैं, यह नाज़रीन इकराम हमारे हर्बल गोल्डन सुल्तानी शबाब कमल कैप्सूल, बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा है। पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ये नुस्खा उन अफराद के लिए नहायत मुफीद है जो कहते हैं कि उन्हें मर्दाना कमज़ोरी है, टाइमा का मसला है, नफ्स में सख्ती बरकरार नहीं रहती, दौरान हम बिस्तरी जल्दी फारग हो जाते हैं या नफ्स ढीला पड़ जाता है, या ऐसे अफराद मर्द हजरात जो कहते हैं कि उन्हें सूरत हजाल के मसाइल हैं, वो अपने पार्टनर को यानी कि शरीक हयात को मुतमिन नहीं कर सकते, जैसे ही ये करीब जाते हैं तो फारग हो जाते हैं या नफ्स ढीला पड़ जाता है, एक मिनट या चंद सेकेंड उनकी टाइमक है, उनके लिए नहायत ही मुफीद नुस्खा है। नाज़रीन इकराम, इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके पट्ठों को ताकत मिलेगी, नफ्स में सख्ती पैदा होगी, वो भी बगैर किसी नुकसान के। इसका जो नुस्खा मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, जिस भाई को नुस्खा तैयार करने का शौक़ है तो वो ख़ुद भी तैयार कर सकता है, थोड़ा मेहनत तलब नुस्खा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बनाते हैं, ये देख लें इस तरीके से हम इसकी रगड़ाई भी करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार किया जाता है नुस्खा, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो भी बगैर किसी नुकसान के। जो भाई अफराद बाजारी गोलियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं टाइमा के लिए, उनसे कई गुना ये बेहतर नुस्खा है, इंशाल्लाह जान के इसका कोई नुकसान नहीं है, शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी नहायत मुफीद है, या ऐसे अफराद जो कहते हैं कि उनका नफ्स में सख्ती बरकरार होने के बाद नफ्स ढीला पड़ जाता है, इनके जैसे वो हम बिस्तरी करने लगते हैं या ज़्यादा देर हम बिस्तरी कर लें या टाइम को ज़्यादा बढ़ा लें तब भी नफ्स ढीला पड़ जाता है, उनके लिए भी नहायत मुफीद है, यानी कि ये नफ्स को लोहे की मानी सख्त कर देता है, नफ्स में भरपूर ताकत पैदा करता है और लज्जत पैदा करवाता है। इस नुस्खा का कोई भी नुकसान नहीं है, किसी भी उम्र का अफराद इसको इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन इकराम, रोज़ाना एक कैप्सूल रात को वक्त ख़ास से घंटा पहले और खाना खाने के घंटा बाद एक कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है, और इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट भी मिलेंगे, इनके नहायत ही मुफीद नुस्खा है, इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें। जो भाई अफराद परेशान हैं, जिनकी टाइमक ठीक नहीं हुई, इनके टाइमक के लिए कामयाब तरीन ये नुस्खा है, इनके लंबी हम बिस्तरी जो करना चाहते हैं, जो भाई अफराद कह सकते हैं कि वो बाजारी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता, उनसे कई गुना जो बेहतर देसी नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ, किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं है। नाज़रीन इकराम, जी हमारा तैयारशुदा नुस्खा आप घर बैठे कहीं भी मुकम्मल राजदारी के साथ मंगवा सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में दिए गए नंबर पर रबता करें और तैयारशुदा ये नुस्खा मंगवाएं और फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया नाज़रीन इकराम, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और गलत कार्यों से बचें, पाँच वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तग़फार किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।